तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लेके आए हैं अपनी अर्टिका की फोर्थ सर्विस की वीडियो हमने डाली थी। इस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसी के साथ मैं आज लेके आए हैं फिफ्थ सर्विस। और अपनी गाड़ी को हमने उठा के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हम आए हैं अपने ही घर के पास में, जो हमारा करीबी सर्विस सेंटर पड़ता है, वन अप सर्विस सेंटर। तो यहाँ पर हमने कुछ अपनी गाड़ी का ओवरव्यू दिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट एडवाइज़र को दिखा दिए और जो भी उनने प्राइस था बता दिया। फिर हम जाके अंदर बैठ गए, तो फिर वहाँ से बाहर निकल के आए तो हमने देखा अपनी गाड़ी का ये हाल, जो हमारी गाड़ी के एक साइड पे स्क्रैच आ चुके थे। फिर उसके बाद क्या था, गलती कर दी हमने अंदर बैठ के। उसके बाद आए बाहर तो फिर एडवाइज़र ने जैसा कहा, फिर हमने सुनाया काफ़ी कुछ एडवाइज़र को। एडवाइज़र ने बोला परेशान हो तो ये आप स्क्रैच लगाया हमारे आदमी से, हम उसको ठीक करके देंगे। तो फिर उसके बाद में यहाँ खड़ी है देखिए हमारी गाड़ी, इसको साइड में हटा के खड़ा कर दिया गया ताकि कोई भी इसको ना छुए। जब इसकी सर्विसिंग होगी तब इसको छुआ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ ऐसा था माहौल वहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही हलचल का माहौल हो गया था, सब थोड़े उसमें हो गए थे, उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारी गाड़ी लग चुकी है सर्विसिंग के लिए। सबसे पहले उन्होंने बोला आप सर्विस करा लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ सर्विस पे लगने के बाद वो एडवाइज़र अपने पेंटर को लेके आ रहे हैं, जो पेंट करते हैं उनको। उन्होंने स्क्रैच दिखाया कितना गहरा स्क्रैच हुआ कितना गहरा नहीं। तो जो स्क्रैच था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, फ्रंट बम्पर से लेके लास्ट के बम्पर तक एकदम सीधा स्क्रैच आया था। इसमें एक बीच में काफ़ी मेजर स्क्रैच था, बाकी तो माइनर स्क्रैच था लंबा सा। तो यहाँ पे भी जो भी डेंटिंग पेंटिंग वाला डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोला आप जो भी वहाँ का जीएम है उससे लिखवा के लेके आइए, वहाँ से फिर उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो कर देंगे। तब तक हम अपनी सर्विस में लग जाते हैं। तो यहाँ सर्विस में हमारी गाड़ी का बोनट खुल चुका है, तो हमारी सर्विस में आज होने वाला है फिफ्थ सर्विस में। आप बता दूँ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो इसका ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है, इसका एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, इसमें मॉबल चेंज हो रहा है, और इसका साथ ही साथ एसी फिल्टर भी चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो मतलब कि डीजल गाड़ी होती हैं उसमें मॉबल में कोई जानकारी नहीं, लेकिन जो पेट्रोल गाड़ी है 2021 तक की, उसमें 3 लीटर और 100 ग्राम पड़ता है। जो आज की आ रही हैं उसमें 3 लीटर और 300 ग्राम मॉबल पड़ता है। तो यहाँ पर बाकी सारी भी छोटी छोटी चीज़ें, स्क्रू स्क्रू चेक किया जाएगा कोई ढीला तो नहीं है, तो वो चीज़ें देखी चल रही हैं। और साथ ही साथ इसमें टायर की रबिंग भी होगी, जो इसके डिस्क ब्रेक हैं उसको चेक किया जाएगा, और साथ ही साथ जो इसके कैप लगते हैं उसको भी चेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके टायर खोलना स्टार्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ में इसके ब्रेक पैड भी चेक किए जाएंगे कि कितना चली है, उस हिसाब से इसके ब्रेक पैड किसे है कि नहीं किसे। इसके साथ हमारे साथ एक और प्रॉब्लम होगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, और आपके साथ भी ये ना हो उसके लिए आप अवेयर रहें और सतर्क रहें। बाकी गाड़ी में फिफ्थ सर्विस में जो जो काम होता है वो गाड़ी के साइड में, मतलब वीडियो की साइड में एक लिस्ट आ जाएगी लिख के, जो जो काम हुए हैं गाड़ी के फिफ्थ सर्विस अर्टिगा ZXi पे। मैं आपको बता दूँ, जो हमारा अर्टिगा ZXi वेरिएंट है, ये 2022 का मॉडल है। तो उस हिसाब से जो जो भी इसमें काम होगा वो आपके गाड़ी मतलब वीडियो के साइड में लिख के आ जाएगा कि इसमें ये काम हुआ है। और उसके लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि हमको कितना प्राइस पे करना पड़ा इन सब चीजों का।
सो हमारी गाड़ी वॉशिंग के लिए लगी चुकी थी, तभी हमें याद आया कि हमारी गाड़ी जो स्मार्ट की पे वर्क करती है, तो स्मार्ट की बैटरी काफ़ी कम हो गई है, जो कि उसके MID में शो करता है कि बैटरी बहुत कम है। तो फिर उसके लिए हमने उनको बुलाया, कहा भाई इसकी भी बैटरी चेंज कर दो, तो मैं इसकी भी कॉस्ट बताऊँगा लगभग इसकी कितनी कॉस्ट आई चेंज करने की। तो वो देखिए भाई चेंज कर रहे हैं बैटरी को, तो उन्होंने चेंज तो किया लेकिन चाबी में थोड़े, या आप कह सकते हैं जो स्मार्ट की होती है उसकी बैटरी, तो आप अगर उसकी बैटरी लो कर रही है तो उसको आप नियरली सर्विस सेंटर या फिर किसी भी शॉप से चेंज करा सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी होती है उसमें इनबिल्ट चार्ज नहीं होती है, उसको आपको अलग से लगवाना पड़ता है। उसका भी टाइम पीरियड जो होता है लगभग लगभग 8 से 12 महीने का होता है, 8 से 12 महीने या फिर 1-1.5 साल बाद आप उसको चेंज करा लीजिए, उसके बाद बैटरी कम हो जाती है तो काफ़ी इशू आता है गाड़ी को ओपन या क्लोज करने में। सो गाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो अगर आप सेकंड पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो कि हमारी गाड़ी का स्क्रैच ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और भी जो इशू था जो कि आपके साथ ना हो, वो भी मैं आपको अब सेकंड पार्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।